हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू डू योर कंप्लीट बेस मेकअप विद अ सिंगल मेकअप टूल, दैट इज अ मेकअप स्पंज। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू हियर, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट सो दैट यू कैन गेट अ नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई विल अपलोड अ न्यू वीडियो। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आई एम स्टार्टिंग विथ मॉइस्चराइज्ड एंड प्राइम फेस, और थोड़ा सा मैंने लिपस्टिक लगाया और कुछ भी नहीं है मेरे फेस पे। सो लेट्स मूव ऑन टू फाउंडेशन। तो गाइस, मैंने एक मेकअप स्पंज लिया है, ये है ब्लू हेवन का मेकअप स्पंज। इसको मैं एक बोल पानी ले रही हूँ, उसमें डिप कर रही हूँ, और इसको बहुत ही अच्छे से मैं यूनिफॉर्मली वेट कर ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा पानी लिया है फ्रिज का, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेक श्योर करना कि बहुत अच्छे से आप पानी को स्क्वीज आउट कर लें, नहीं तो फिर थोड़ा सा पैची हो जाएगा आपका फाउंडेशन। तो आप बहुत ही अच्छे से स्क्वीज आउट करके पानी निकाल लेना। देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया स्पंज। अभी मैं ले रही हूँ मेबेलिन का सुपरस्टे फाउंडेशन, इसका मैं हाफ पंप ले रही हूँ, मैं बहुत ही कम ले रही हूँ, और मैं मेरे फेस के एक साइड पर डॉट डॉट करके इसको लगा रही हूँ। और मैं बटर के स्पंज से इसको ब्लेंड करने का स्टार्ट कर रही हूँ। आप इसको अच्छे से ब्लेंड कीजिए, आप जिस पैटिंग मोशन में इसको ब्लेंड कीजिएगा, आप ग्रैप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपका जो कवरेज है वो कम हो जाएगा और मूव हो जाएगा आपका फाउंडेशन। तो आप बस पैट करते रहना जब तक ये अच्छे से ब्लेंड ना हो जाए। मैं ये रियल टाइम रख रही हूँ, कोई भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही हूँ। एक साइड हो गया मेरा, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया है। आप कॉर्नर्स को भी देखिएगा अच्छे से ब्लेंड हुआ है कि नहीं। अभी मैं दूसरा साइड पे डॉट डॉट करके सिमिलर वे में लगा रही हूँ, और बटर पे स्पंज से इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। अभी मैं सारे मेरे फेस के कॉर्नर्स पे भी थोड़ा सा लगा रही हूँ, जो बचा हुआ था उससे मैंने मेरे होठ के आसपास और चिन को लगा लिया है चिन पे, और थोड़ा सा लेकर मैं फोरहेड पे भी लगा रही हूँ। आप ब्लेंड करते रहिएगा, जितना कर सकते हैं आप ब्लेंड कीजिएगा। ब्लेंडिंग इज द ओनली की टू गेट अ फ्लॉलेस फेस। तो आप जितना हो सके ब्लेंड कीजिएगा, आप जितना ब्लेंड करेंगे उतना ही अच्छा आपका बेस दिखेगा। आप देख सकते हैं अच्छे से ब्लेंड हो गया है, क्योंकि ये स्पंज है तो जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो ये सोक कर लेता है। डन विथ माई फाउंडेशन नाउ। सो गाइज, नेक्स्ट मैं ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर। इसका जो शेड है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इसको मैं मेरे आईज के इनर और आउटर कॉर्नर पे लगाया, ठीक है, और दूसरे साइड पे भी सिमिलर वे में लगाया, इनर और आउटर कॉर्नर पे। देन मैं इसको टिप ऑफ माई नोज, फोरहेड, क्यूपिड्स बो और चिन पे भी थोड़ा सा लगा लिया है, और मैं अभी ब्लेंड करूंगी इसको बटर के स्पंज से। मैंने पहले सेंटर ऑफ माई फेस को ब्लेंड कर लिया है, बाद में मैं अंडर आइज को करूंगी ताकि काफ़ी देर ये सीट करे मेरा अंडर आइज पे कंसीलर, तो कवरेज थोड़ा सा अच्छा मिलेगा मुझे। नेक्स्ट मैं ए पॉइंटी साइड ले रही हूँ ब्लेंडर का, और मैं ब्लेंड कर रही हूँ मेरे अंडर आइज। आप देख सकते हैं मैंने बस डैबिंग मोशन में ब्लेंड किया है, कोई भी ड्रैग नहीं किया है। आप ड्रैग मत कीजिएगा, अगर आप ड्रैग करेंगे तो आपका कवरेज कम हो जाएगा और आपका फाउंडेशन और कंसीलर दोनों ही मूव हो जाएगा। सो दूसरे साइड पे भी मैं सिमिलर वैसे ब्लेंड कर रही हूँ। ये एक मीडियम कवरेज कंसीलर है जो इजिली ब्लेंडेबल है और बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरा अंडर आइज थोड़ा पाफी था आज, क्योंकि मुझे लास्ट नाइट को एडिक्वेट स्लीप नहीं मिला था, सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। लेकिन ये ऐसा ब्लेंड करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, आप ड्रैग मत कीजिएगा। एज यू कैन सी मैं ओवरऑल ब्लेंड कर ले रही हूँ। आई एम डन विद माय कंसीलर नाउ। नेक्स्ट दिस साइड ऑफ फेस के लिए मैं यूज कर रही हूँ एक लूज पाउडर, इसको मैं थोड़ा सा ले रही हूँ लिड पे, और इसको मैं पॉइंटेड टिप ऑफ द ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सा पिक करूंगी, और ये प्रोडक्ट को अंडर आइज पे थोड़ा सा पुश करूंगी। मैं पुश कर रही हूँ, ड्रैग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये स्पंज है, ये एक्सेस जो पाउडर है उसको सोक कर लेगा और एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपका कंसीलर अच्छे से सेट भी हो जाएगा और केकी भी नहीं लगेगा। सो इट्स अ ग्रेट ट्रिक। नेक्स्ट दिस साइड ऑफ माई फेस के लिए मैं ले रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का कॉन्ट्रो पैलेट से बनाना शेड, और इसको मैं पॉइंटी एज पे ले रही हूँ, और इस प्रोडक्ट को मैं सिमिलर वे में पुश कर रही हूँ मेरे अंडर आइज पे जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया है, और थोड़ा सा ब्लेंड भी कर रही हूँ ताकि ये जो एक्सेस पाउडर है सोक कर ले।
और सेंटर ऑफ माय फेस पे जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहाँ पे भी थोड़ा सा मैंने लगा लिया है। और ओवरऑल फेस को सेट करने के लिए मैं थोड़ा सा लूज पाउडर ले रही हूँ बट अब तक मैं स्पंज से और इसको मैं पूरे फेस पे लगा रही हूँ। अगर आपका फाउंडेशन और कंसीलर बहुत जल्दी केकी लगने लगता है तो आप ये अच्छा ट्रिक है, आप यूज़ कर सकते हैं ये। इससे जो एक्सेस पाउडर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और आपका फेस बिल्कुल भी केकी नहीं लगता है। सेट करना मेकअप को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपका फाउंडेशन और कंसीलर मूव कर जाएगा। सो या सो गाइस, नेक्स्ट मैं ले रही हूँ एक ब्लश, इसको मैं स्पंज पे ले रही हूँ थोड़ा सा और मैं एप्पल्स ऑफ माई चीक्स पे लगाना इसको स्टार्ट करूँगी यहाँ पे। तो मैंने इसे थोड़ा सा लगाया है, इसको मैं हेयर लाइन की तरफ थोड़ा सा लेके जा रही हूँ और सामने भी थोड़ा सा लेके आ रही हूँ ताकि एक यूनिफॉर्म लगे, एक जगह पे कंसंट्रेटेड ना रहे। सो आप देख सकते हैं कितना नेचुरल वे में ब्लश ब्लेंड हुआ है। अभी दूसरे साइड पर भी मैं सिमिलर वे में इसको लगा रही हूँ और इसको मैं ओवरऑल ब्लेंड कर ले रही हूँ थोड़ा सा। इससे बहुत ही नेचुरल लगता है, आपका ब्लश बहुत ही अच्छा दिखता है, एज यू कैन सी। सो आई एम डन विद माय ब्लश। सो मैं नेक्स्ट डे कॉन्टूर पैलेट में से एक कॉन्टूर शेड ले रही हूँ और इसको मैं हॉलोज ऑफ माय चेक पे प्लेस कर रही हूँ और थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ। अभी आपको थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा और एक स्ट्रोक लाइन भी दिख रहा होगा, तो मैं ये इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे कि कहाँ पे प्लेस करना है। बाद में मैं इसको ब्लेंड करूंगी अच्छी तरीके से। अभी मैं बस प्लेस कर ली हूँ दूसरी साइड पे भी और ब्लेंड भी कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा लेके फोरहेड पे लगा रही हूँ। अगर आपका फोरहेड थोड़ा सा बड़ा है तो आप फोरहेड पे लगा सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा कम छोटा दिखता है आपका फोरहेड। और अगर आपको डबल चिन है तो आप ये ऐसे डबल चिन के एरिया पे लगा सकते हैं, उससे काफी हद तक हाइट हो जाता है आपके डबल चिन। और जो बचा हुआ है उससे मैं थोड़ा सा नोज कंट्रोल करूंगी, मैं ज्यादा करती नहीं हूँ क्योंकि मेरे से होता नहीं है, तो थोड़ा सा ही कर रही हूँ मैं। कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लिया मैंने, जो बचा था उसमें से कर रही हूँ। और अभी जो स्टक लाइन था उसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी। ब्लश और कंटूर को एक साथ ब्लेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वो यूनिफॉर्म नहीं लगेगा, वो थोड़ा सा स्टक लाइन दिख जाएगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, दिखने में वो अच्छा नहीं लगता है। सो आप मेक श्योर कीजिएगा ब्लश और कंटूर को एक साथ ब्लेंड कर ले और वो एक यूनिफॉर्म लगनी चाहिए। मैं रियल टाइम रख रही हूँ, फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे कि आप कितना जल्दी कर सकते हैं। मैंने दूसरे साइड पे भी सिमिलर वे पे ब्लेंड करना स्टार्ट किया है और यहाँ पे भी मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ। फोरहेड पे भी थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ और डबल चिन एरिया पे भी थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ। आई एम ऑलमोस्ट डन विथ माई ब्लेंडिंग, आप देख सकते हैं कोई भी स्टक लाइन अभी नहीं दिख रहा होगा आपको। आप देख सकते हैं कितना नेचुरल वे में अब ब्लेंड हुआ है, कोई भी हर्श लाइन नहीं है। अभी मैं ले रही हूँ एक हाइलाइटर, इसको पॉइंटी टिप ऑफ माय ब्लेंडर पे मैं ले रही हूँ और उसको मैं हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माय फेस पे लगा रही हूँ, जैसे कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माय चीक। आप देख सकते हैं कितना ब्लाइंडिंग हाइलाइटर है ये, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लगा लिया था, बाद में मैं ब्लेंड करूँगी उसको। और दूसरे साइड पर भी मैं सिमिलर वे पर लगा रही हूँ, इसको मैं सी शेप में लगा रही हूँ। ये पॉइंटी टिप से मैं थोड़ा सा और ले रही हूँ और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माय ब्राउज पे लगाया मैंने, बहुत ज़्यादा लग गया था क्योंकि ये बहुत ही ब्लाइंडिंग हाइलाइटर है। बाद में मैं ब्लेंड करूँगी, आप देख लेना। और थोड़ा सा टिप ऑफ माय नोज पे मैंने लगाया अभी। चिन पे भी लगाया थोड़ा सा और क्यूपिड्स बो पे। ये सारे मेरे हाइट स्पंज ऑफ माई फेस है और अभी मैं ब्लेंड कर रही हूँ। क्योंकि ये एक स्पंज है तो ये एक्सेस प्रोडक्ट को सोक कर लेगा, ये फर्क नहीं पड़ता अगर आपने थोड़ा सा ज्यादा लगा लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं फोरहेड पे मैंने थोड़ा सा ज्यादा लगा लिया है तो मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ब्लेंड हो। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो।
अगर ये आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे भी हिट करें, लाइक शेयर कमेंट भी करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, टिल देन बाय।